हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में 105 स्कूलों को बंद करने के फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने गोहाना से स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ पैदल यात्रा शुरू कर दी है, जो पानीपत करनाल अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ जाएगी। इस पैदल यात्रा में शामिल होने पार्टी की महिला विंग अध्यक्ष अनु कादियान और यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष अरुण हुड्डा समेत कई नेता मौके पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष अनु कादियान ने कहा, प्रदेश भर में सरकार की शिक्षा विरोधी नीति के खिलाफ और जो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हम 105 तो क्या एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे। जो 105 स्कूल बंद हुए हैं उसके विरोध में निकलेंगे और हम 105 तो क्या हम एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि जब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होगा तब तक विकसित भी नहीं हो सकता। क्या रहेगा पार्टी का मुख्य क्या क्या देखिए, ये पानीपत करनाल और अम्बाला के रूट से जाएगी और यही है कि हमारा जो स्कूल है जो बंद करने का प्रस्ताव दिया है वो अपना जल्द से जल्द वापस लें, और क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो 7-8 एकड़ के एक तो स्कूल में पढ़े और एक उनको छोटे से स्कूलों में डाला जा रहा है, और वो भी 300 कुछ इन्होंने जो स्कूल बाध्य किए कि इन्हीं में वो बच्चे मर्ज किए जाएंगे, तो हो सकता है वो बच्चों के घरों से बहुत दूर हो। जब वो भी कहते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट का खर्चा देंगे, जब वो और 1100 रुपये देंगे, ये सब कर रहे हैं, तो वही खर्चा वही पैसे वो बिल्डिंग पे भी लगा सकते हैं, इन्हीं को क्यों नहीं सुधारते वो। आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार के इस फैसले को निजीकरण को बढ़ावा देने की साजिश मानकर चल रही है। पार्टी के यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष अरुण हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत शिक्षा के निजीकरण की ओर बढ़ावा दे रही है। इसी के चलते सरकार ने 105 स्कूलों को बंद करने के आदेश निकाले हैं और आगे भी हजारों स्कूलों को बंद करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत बच्चों और युवाओं को गलत रास्ते पर चढ़ा रहे हैं, शिक्षा के निजीकरण को जो बढ़ावा दे रहे हैं, और उसी के माध्यम से 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो आदेश निकाला, और इसके बाद ये सैकड़ों हजारों स्कूलों को बंद कर एक ही इनका उद्देश्य है कि देश का प्रदेश का युवा शिक्षित ना हो, गरीब का आम आदमी का बच्चा पढ़ ना पाए, उसको हजारों हजारों की फीस में प्राइवेट स्कूल में देकर पढ़ना पड़े, या तो वो अशिक्षित रह जाए, क्योंकि सरकार के तो मंत्री लेवल तक के लोग अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और आम आदमी पार्टी इसकी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ रही है, शुरू दिन से, जब से इनका आदेश आया है, तमाम हमारे स्कूलों के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। आम आदमी पार्टी इस पैदल यात्रा का समापन चंडीगढ़ में करेगी, जहां वो सीएम डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेगी। इस ज्ञापन में मांग किया जाएगा कि सरकार इन स्कूलों को बंद करने के बजाय इनमें सुविधा बढ़ाने का काम करे, ताकि गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।